आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के इतिहास में देश की सेना की शौर्य गाथा और साहस की कहानी याद दिलाता है। कारगिल विजय दिवस पर आज हम आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। ये कहानी है बाड़मेर के शहीद भीकाराम चौधरी की, जिनकी वीरता और शहादत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। शहीद भीकाराम का जन्म 1977 में बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के रेतीले इलाके के गांव पातासर में हुआ था। उनके पिता चैनाराम पुलिस सेवा में कार्यरत थे और मां राई देवी ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। भीकाराम ने जोधपुर में पढ़ाई की और 12वीं पास करने के बाद मात्र 18 साल की उम्र में, यानी 29 अप्रैल 1995 को भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मेरे हस्बैंड 99 में शहीद हुए थे, सबसे फर्स्ट में कारगिल ऑपरेशन विजय में। तो 25 दिन उनको कैद करके रखा था, उनके सारे अंग पर मोड़ दिए गए थे। लेकिन हमें फख्र है कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और मैं तो अपने बेटे को भी यही शिक्षा देती हूँ कि कोई भी काम हो तो देश के लिए सबसे पहले। भीकाराम का विवाह भवरी देवी से हुआ था। 3 नवंबर 1958 को वह अपने गांव पतासार में अवकाश पर आए थे, लेकिन छुट्टी पूरे होने पर जब लौटे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह वापस नहीं आएंगे। पत्नी के लिए तो पति ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम ये देखे कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और हमारे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनको देखे चले तो ये कुछ भी जिंदगी नहीं है, हम हंसते हंसते गुजार देंगे क्योंकि आप लोग सब हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है, आर्मी हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिंदगी बेबुनियाद है, हंसते हंसते गुजार देंगे और हमें भी जाने के लिए इजाजत मिले तो हम भी जा सकते हैं फौज के। कारगिल युद्ध के दौरान भीकाराम उन 6 जवानों में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान ने बंधक बनाकर यातनाएं दी और उनके अंग काट लिए थे। भीकाराम ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। 14 मई 1999 को पाकिस्तान सेना ने शहीद भीकाराम का शत विशत शव भारतीय सेना को सौंपा। जब ये समाचार उनके परिवार और गांव में पहुंचा तो मातम और गर्व का माहौल था। शहीद भीकाराम की वीरांगना पत्नी भवरी देवी आज भी उस दिन को याद करती है जब उनके शहीद पति का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा था। उन्होंने उन कारगिल की 18,000 फीट ऊंची चोटी पर भी जाकर अपने पति की वीरता को सलाम किया है। बहुत ज्यादा मैं कारगिल गई थी तो वहाँ देखे तो आप देख ही नहीं, हर कोई तो जा ही नहीं पाता, लेकिन मैं गई थी और वहाँ का देखा था। मैं 2018 में गई थी तो बहुत कुछ देखा था कि हमारे जो फौजी हैं वो जो जहाँ वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं वो कोई नहीं गुजार सका। हमारे यहाँ राजस्थान के बाड़मेर के जो भी जोधपुर के जो भी जवान हैं वहाँ रहते हैं, हर कोई नहीं रह सकता वहाँ, इतना हुआ टिपिकल है। और वहाँ लड़ाई हुई थी, वहाँ भी मैं फिट गई थी, 18,000 फीट ऊपर गई। शहीद भीकाराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर देना ही सच्ची देशभक्ति है। लोकल ई टीम के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।